नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ढाक की जड़ का अर्क। देखिए, ये जो दवाई है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये बनी है पलाश के जड़ यानी कि ढाक के जड़ की अर्क से, और पलाश के लिए कहने वाले बहुत खूब कह गए कि पलाश ए फूल है यारों, नहीं कोई अजूबा है। गुले गुलशन में है कमसिन, इन आँखों का तजुर्बा है। शिफा खाने में जाकर पूछिए साहब, शिफा खाने में जाकर पूछिए साहब हकीमों से, इलाज मर्ज में शामिल फना हो के मेहरबा हैं। बड़ा सीधा सा अर्थ है कि पलाश अपनी हस्ती को मिटाकर भी जिंदा रहता है। पलाश जिसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे टेसू, केसू, ढाक, संस्कृत में किंशुक, ब्रह्मवृत, रक्त पुष्पक और अंग्रेजी में लैम ऑफ फॉरेस्ट। पलाश को हिंदू धर्म में ब्रह्म वृक्ष कहा गया। पुराणों में कथा है कि भगवान शिव और पार्वती के एकांत को भंग करने के कारण अग्निदेव को पृथ्वीलोक में पलाश के वृक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ा, और शायद यही कारण है कि नेत्रों के लिए सर्वाधिक गुण इसी पलाश के अंदर मिलते हैं। ये दवाई भावसार आयुर्वेदिक ढाक की जड़ का अर्क बहुत ही अचूक और अद्भुत औषधि है नेत्र रोगों के लिए, जिसे बनाया है भावसार फार्मास्यूटिकल गुजरात ने, और इसकी कीमत मात्र 120 रुपये है। परंतु नेत्रों के लिए ये बहुत ही कीमती और रेयर दवाई है। यहाँ मैं आपको हमेशा की तरह ये क्लियर कर दूं कि ये किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं है, बल्कि इस दवाई के पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा, और इसी कारण से मैं ये दवाई आपके लिए लेकर आई हूँ। सामान्यतः ये दवाई हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, परंतु अब ये ऑनलाइन मिलने लगी है, इसीलिए मैं आपके सामने ये दवाई लेकर आई हूँ। तो इसका ऑनलाइन लिंक मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आप चाहें तो इसे वहाँ से मंगा सकते हैं। तो देखिए, छोटी सी कहानी ये है कि मेरे बेटे को जन्म के बाद आँखों की एक छोटी सी समस्या थी। समस्या ये थी कि उसकी आँखें चिपचिपी रहती थी, जिसके कारण वो खुलती नहीं थी और उसकी आँखों में कीचड़ जमा रहता था। अब मुझे उसे बार बार साफ करना पड़ता था, लेकिन इससे उसकी आंखों में रैश होने लगे। आसपास की त्वचा बहुत ज़्यादा गीली होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि एक महीने के बच्चे की त्वचा कितनी मुलायम होती है, तो उसे बड़ी तकलीफ होने लगी। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बड़ी बड़ी महंगी आई ड्रॉप्स भी डाली, लेकिन हर डॉक्टर ने मुझे एक ही सुझाव दिया कि जी, आपके बेटे की आँखों की नसें बंद हैं और उन्हें खोलने के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब इतने छोटे से बच्चे का ऑपरेशन कराना तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो अब आयुर्वेद को जानने के कारण जब मैंने उसको टटोलना शुरू किया, तो पलाश के बारे में तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि पलाश आँखों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसे उसकी आँखों में डाला किस तरह जाए, ये एक बड़ा प्रश्न था। तो ढूंढते ढूंढते मुझे ये दवाई मिली, ढाक की जड़ का अर्क, और मैंने इस दवाई को ख़रीदा और मैंने अपने बेटे की आँखों में डाला। यकीन मानिए, दो दिन में ही उसकी आँखों का कीचड़ ख़त्म हो गया, उसकी आँखों का चिपचिपाकन ख़त्म हो गया और वो सामान्य हो गई। तो मेरे लिए तो ये जैसे बिल्कुल चमत्कार था। तो इसीलिए ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आयुर्वेद आपकी समस्या का समाधान भले ही ना हो, पर ये निश्चय ही आयुर्वेद आपके लिए एक आशा की किरण हो सकती है। तो इसका दामन आप कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं मानती हूँ और आयुर्वेद भी ये मानता है कि ये शरीर प्रकृति से ही जन्मा है, तो इसके हमें बहुत सारे उपचार हमें प्रकृति में ही मिलते हैं। तो मैंने इसका ये चमत्कार पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। देखिए, हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ जो कि नेत्र रोगों पर बड़े मौन हैं, उसमें इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है आयुर्वेद में, लेकिन ढूंढने पर अगर आप ढूंढने जाएं तो आपको बहुत सारी जड़ी बूटियां मिल जाती हैं। तो पलाश यानी कि ढाक से तो आप सभी परिचित हैं, ढाक के 3 पात होते हैं ये आप सभी जानते हैं,
पत्तों के गिरने के बाद ही फूल आते हैं। वसंत से ग्रीष्म ऋतु तक ये हरा भरा रहता है। इसके फूलों का रंग लाल सुर्ख होता है, कहीं कहीं सफ़ेद फूल भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि खुद फना होकर भी ये हम पर मेहरबान होता है, माने इसके पत्ते, फूल, तना, जड़ और फल सभी एक आयुर्वेदिक औषधि हैं। इसके फूलों से तो रंग भी बनते हैं, बालों की समस्याओं का समाधान, डैंड्रफ, गंजपन आदि का समाधान भी इसके फूलों से होता है। इसके साथ साथ ये पुरुषों के लिए काम शक्ति वर्धक है, शीघ्र पतन की समस्याओं को दूर करता है। इसका गोंद जिसे कमरकस कहते हैं, महिलाओं के कमर दर्द के लिए एक अचूक औषधि है। इसके अलावा ये पेट की समस्याओं में बहुत लाभकारी है। इसके पत्तों में क्या आप जानते हैं, पत्तल बनाए जाते हैं और उनमें खाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। अब ये अर्क क्या चीज़ है? देखिए, अर्क किसी भी औषधि का सार, या यूं कहें कि उसमें पाया जाने वाला वो गुण है जो गर्म होने पर भाप के रूप में प्राप्त होता है और बहुत शीघ्र प्रभाव पैदा करने वाला एक पदार्थ बन जाता है। यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा में अर्क का उपयोग किया जाता है, जैसे अजवाइन का अर्क, पुदीने का अर्क, चंदन आदि अर्क आदि। लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की ज़रूरत होती है। बहरहाल, जो ढाक की जड़ का अर्क है, उसमें भी उसकी जड़ को जोकुट करके वाष्प प्रक्रिया के द्वारा इसके अर्क को प्राप्त किया जाता है। हालांकि पलाश यानी कि ढाक का उल्लेख निगुण संहिता में नेत्र उपयोगी औषधियों की श्रेणी में किया गया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी जड़ी बूटी है ये। एक लाभ तो मैंने अब आपको इसका बताया, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। देखिए, यदि आप धूप में बहुत ज़्यादा घूमते हैं या आप घूमने भी जाते हैं, आपकी आंखें थक जाती हैं, तब करें। नाइट ड्यूटी करने वाले लोग, क्योंकि उनकी आंखें बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, जिस समय उन्हें सोना चाहिए तब वो जग रहे होते हैं, तो आंखों में कमज़ोरी आती है, उस समय ये बहुत लाभकारी है। धुएं में काम करने वाले लोग, जैसे वो महिलाएँ जो चूल्हे आदि पर ज़्यादा खाना बनाती हैं, वो पुरुष जो भट्टी या किसी भी तरह के धुएँ से भरे वातावरण में काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत उपयोगी औषधि है। इसके अलावा रेतीली जगहें जहाँ पर रेतीली आंधियाँ चलती हैं और आँखों में धूल के कण जाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। जो लोग तेज़ लाइट के बीच में, यानी कि मीडिया पर्सन, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा वेल्डिंग का काम करने वाले, क्योंकि आँखों में बहुत तेज़ रोशनी पड़ती है, हालांकि वो चश्मा पहनते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं आँखों को नुकसान देती है, उसमें ये ढाक की जड़ का अर्क बहुत अच्छा है। जिनकी आँखें तेज़ रोशनी की वजह से वीक हो जाती हैं, उनके लिए। साथ ही साथ मूर्तियाँ बनाने वाले शिल्पकार, क्योंकि उसमें जो गर्दा उड़ता है पत्थर का और धूल, उसमें उनकी आँखें ख़राब हो जाती हैं, उसमें ये बहुत सहायक है। तो इसके लिए क्या, इसमें ये कैसे सहायता करता है कि जो आँख में जमी मिट्टी है, धुआं है और पत्थर के बारीक कण हैं, उनको निकाल करके बाहर आँखों को बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर बना देता है। अब मैं बताती हूँ आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है। आप इसको सुबह शाम आँखों में डालिए। अगर सुबह नहीं डाल सकते तो एटलीस्ट रात को सोते समय डालिए। जब आप सुबह उठेंगे तो आप अपनी आँखों के पास महसूस करेंगे बहुत बारीक बारीक कण मिट्टी के, तो वही गंदगी है जो आपकी आँखों को ख़राब करती है। साथ ही ये उन आँखों के लिए भी बहुत लाभकारी है जिनमें से लगातार पानी बहता हो, चिपचिपी हो या कीचड़ निकलता हो। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, उसमें ये बहुत बहुत लाभकारी है। इसका एक बड़ा चमत्कारिक गुण ये है कि ये मोतियाबिंद को भी ख़त्म कर देता है, लेकिन उस स्टेज में जब मोतियाबिंद की शुरुआत हो या आप इसे अभी से डालना शुरू करें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए ये सेफ़ दवाई है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर भी आता है, आप उसमें भी अच्छे से पढ़कर इसको अपनी आँखों में डाल सकते हैं। ये वाला आप देखिए, इसमें पूरा लिखा हुआ है। अब उसके अलावा यदि, लेकिन इसमें सावधानी यही है कि यदि आपने अपनी आँखों में किसी भी तरह का ऑपरेशन कराया है, लेज़र, लेसिक या मोतियाबिंद या कोई भी तरह का ऑपरेशन हुआ है, आप इसका इस्तेमाल कतई ना करें। ये सिर्फ उन आँखों के लिए है जो ताज़ी हैं और प्राकृतिक हैं। अब इसके अलावा यदि आप, इसकी एक और ख़राबी यह है कि आँखों में बहुत तेज़ लगती है, इसे डालने पर बहुत चिरमिरहाट लगती है, लेकिन यही इसका गुण है, तभी ये आँखों को साफ़ और स्वच्छ रखती है। तो बहुत तीक्ष्ण औषधि है पर बहुत कारगर है। तो अपने बुद्धि विवेक से आप इसका इस्तेमाल करें और
मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि यदि आप इस दवाई के बारे में जानते हैं या आपने इसका प्रयोग कभी किया है तो आपके आपको इसको किस किस रोगों में इसका लाभ हुआ, क्योंकि इसके लाभ अनगिनत हैं, अनगिनत। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। यदि आप इसके बारे में कुछ भी मुझसे पूछना चाहें तो ज़रूर कमेंट करें। तो अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।